Hello everyone, welcome back. And in this particular video, we are going to talk about few other properties of the charge. Last video में हम लोगों ने जो एक property discuss की थी वो कौन सी की थी? Like charges repel each other, whereas unlike charges attract each other. हमने उसका एक experimental setup भी देखा था कि कैसे benoit rod और glass rod से हम इस property को verify करा रहे थे. अब इसी के आगे separate discussion को carry forward करते हुए हम दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि चार्ज की हैं. वो कौन कौन सी हैं? उनमें से एक है आपके एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, जो आज हमें बात करनी है जिन प्रॉपर्टीज के बारे में. एक है आपकी एडिटिविटी ऑफ द चार्ज और दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. ठीक है, दूसरी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. ठीक, तो इन दो के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं एडिटिविटी के बारे में, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, जल्दी से खत्म हो जाएगी और इजिली आप समझ जाएंगे. प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज. बेसिकली चार्ज की तीन ही प्रॉपर्टी होती है, एक हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिस्कस कर रखी है लाइक और अनलाइक वाली, फिर एक आपकी एडिटिविटी हो जाती है और सबसे लास्ट में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन. तो हम लोग सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं. तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? एडिटिविटी ऑफ द चार्ज सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक होमोजीनियस सिस्टम पे एप्लीकेबल ना हो करके हेट्रोजीनियस सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है. अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है तो इसको समझ लेते हैं. देखिए, चार्ज के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम. होमोजीनियस सिस्टम के अंदर कोई भी मटेरियल होगा तो उसके अंदर जितने भी चार्जेस अवेलेबल होंगे वो सारे एक जैसे होंगे. मतलब अगर उनमें अगर 10 चार्ज हैं तो 10 के 10 या तो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे. आपने पढ़ा है ना, चार्ज के दो नेचर होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है. सो वट एवर चार्जेस आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर मटीरियल, ईदर ऑल विल बी नेगेटिव और ऑल विल बी पॉजिटिव. कैसा सिस्टम हो जाता है? ये हो जाता है होमोजीनियस सिस्टम. अब एक सिस्टम ऐसा हमने ले लिया जिसमें कि मान लीजिए हमने कहा कि इसमें 9 चार्जेस अवेलेबल है या 10 चार्जेस अवेलेबल है, उसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है. ठीक है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो अब इसमें तो दोनों टाइप के चार्जेस अवेलेबल हो गए. ठीक है, कुछ पॉजिटिव हो गए कुछ नेगेटिव हो गए, तो ये कैसा सिस्टम हो जाता है? ये हो जाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम. मींस अ सिस्टम इन विच बोथ टाइप ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल. जनरली मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. ठीक है, तो इस तरीके से दो सिस्टम हमारे पास हो जाते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है एडिटिविटी, ये किस पर एप्लीकेबल होती? ये हेट्रोजीनियस सिस्टम पर एप्लीकेबल होती. अब इसको समझ लेते हैं ये है क्या. देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक बकेट है, ठीक है, और जैसे बकेट में हम लोग बॉल्स रखते हैं ना, तो हर बॉल को हम लोग मान लेते हैं कि भाई हर एक बॉल क्या डिनोट कर रही है, हर एक बॉल एक चार्ज के जैसे है. ठीक है, हर एक बॉल एक चार्ज के तरीके. तो ये एक बकेट है, मान लो इस पे एक स्टूडेंट आया, उसने ये चार्ज रखा कितना, +8 माइक्रो कूलाम पे चार्ज रखा. ठीक है, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कूलाम. आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, देखा भी होगा लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था आपको कि यूनिट क्या होती है चार्ज की. चार्ज की यूनिट होती है कूलाम. लेकिन जस्ट क्योंकि एक कूलाम बहुत बड़ी यूनिट होती है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों एक कूलाम बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हम लोग उसको माइक्रो या मिली कूलाम में बात करते हैं. जब हम इसको माइक्रो कूलाम में बात करते हैं तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल्स टू 10^-6 कूलाम. ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब हम एक मिली कूलाम की बात करते हैं तो 1 मिली कूलाम इज इक्वल्स टू 10^-3 कूलाम. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये दो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न. और भी मिलते हैं, नैनो वगैरह भी आते हैं, बट ज्यादातर आपको माइक्रो मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपको मिली सबसे ज्यादा मिलता है. तो ये दो आपको याद रखने कि जहां भी माइक्रो मिलेगा आपको अल्टीमेटली 3 जो भी दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 नंबर लिखना है मैग्नीट्यूड, और उसका अगेन 10^-6 लगा देना है. अगर मिली दिया तो 10^-3 लगा देना है. ठीक है, आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि एक ही बकेट है, इस पर हमने एक चार्ज रखा +8 माइक्रो कूलाम का, फिर एक हमने और बॉल ले ली उस पर हमने चार्ज रखा -3 माइक्रो कूलाम का, फिर एक और चार्ज हमने इंसर्ट करा दिया लेट्स से +4 माइक्रो कूलाम का, और एक और चार्ज हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं -2 माइक्रो कूलाम का. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम में, ये मान लीजिए ये पूरा एक सिस्टम था, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, तो एडिटिविटी ऑफ द प्रॉपर्टी, एडिटिविटी की जो प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि जितने भी चार्जेस इस सिस्टम में होंगे उनका जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, उनका जो उस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द चार्जेस.
सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस. और कैसा सम? एल्जेब्राइक सम. एल्जेब्राइक सम का मतलब वी हैव टू कंसिडर द साइन ऑल्सो. वी हैव टू टेक इट इन कंसिडरेशन. हमको इनके साइन कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे. अगर ये प्लस का है तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा, अगर ये माइनस का है तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा. अभी मैं करके दिखाता हूं कैसे इसको करेंगे. तो ये कैसा सिस्टम हो गया, क्योंकि यहां पे कुछ चार्जेस पॉजिटिव है कुछ चार्जेस नेगेटिव है. सो ये सिस्टम कैसा बन जाएगा? दिस सिस्टम विल बी हेट्रोजीनियस सिस्टम. हेट्रोजीनियस सिस्टम है, आपको समझ में आ गया. अच्छा हाँ, हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है? एडिटिविटी की प्रॉपर्टी लगनी. अब एडिटिविटी की प्रॉपर्टी आपको पता है कि क्या होती है, जब भी कोई भी सिस्टम है जिसमें हेट्रोजीनियस चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, तो जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस का समेशन होता है, अल्जेब्राइक सम होता है. इतना आपको भी बताया मैंने. तो अब आप क्या करोगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, आप कैलकुलेट करने के लिए कह दोगे कि क्यू नेट यानी कि जो टोटल चार्ज है इस पूरे सिस्टम का वो क्या होगा, इंडिविजुअल चार्जेस का अल्जेब्राइक सम. तो अब ध्यान से देखिए, पहला चार्ज हम ले लेते हैं कितना है, प्लस 8 माइक्रोकूलम, तो हमने लिख दिया प्लस 8. फिर अगला कितना है, माइनस 3, हमने लिख दिया माइनस 3. फिर कितना है, प्लस 4, हमने लिख दिया प्लस 4. और फिर कितना है, माइनस 2, हमने लिख दिया माइनस 2. अब जितने भी प्लस वाले उनको पहले ऐड कर लीजिए, तो 8 प्लस 4 विल बी 12, और माइनस वाले एक साथ, तो माइनस 3 माइनस 2 इट विल बी माइनस 5. अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 5 विल बी 7. कैसा, प्लस का कि माइनस का? क्योंकि यहां पर तो प्लस माइनस दोनों की इंपॉर्टेंस है. प्लस इज इंडिकेटिंग द पॉजिटिव साइन, माइनस इज इंडिकेटिंग द नेगेटिव साइन. तो आपको यहां से क्या पता चल गया, ये कितना है, ये प्लस 7 है. ठीक है, आगे ये सारे क्या थे, इनकी यूनिट्स क्या थी, माइक्रोकूलम. तो ये आपका आ गया माइक्रोकूलम. यानी कि ये जो सिस्टम था, इसका नेट चार्ज कितना है, प्लस 7 माइक्रोकूलम. अब इसका नेचर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका क्योंकि इसका नेट चार्ज प्लस सेवन माइक्रोकूलम आया है, तो इसका नेचर कैसा होगा, ये सिस्टम पॉजिटिवली बिहेव करेगा. और अच्छा, इसको एक ऐसे तरीके से भी आप समझ सकते हो. कैसे समझ सकते हो भाई, यहां पर आप देखो अगर तो पॉजिटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. पॉजिटिव चार्जेस, हालांकि नंबर में अगर देखो तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें हम तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव. तो ये ओवरऑल सिस्टम कितना हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा. तो आप कहोगे तो हमको ऐसे ही पता चल रहा है, फिर ये प्रॉपर्टी क्या जरूरत है, प्रॉपर्टी जरूरत कब पड़ेगी. हमको ये तो पता चल गया कि ये सिस्टम कैसा होगा, ये सिस्टम पॉजिटिवली बिहेव करेगा. लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हेट्रोजीनियस सिस्टम है, पॉजिटिव चार्जेस भी अवेलेबल है, नेगेटिव चार्जेस भी अवेलेबल है, सो व्हाट इज द मार्जिन बाय विच पॉजिटिव चार्जेस आर डोमिनेटिंग ओवर द नेगेटिव चार्जेस. ना मार्जिन अगर पूछिए कि कितने मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्जेस से, जिसकी वजह से ये सिस्टम पूरा का पूरा पॉजिटिव बन गया, तो वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम एडिटिविटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिसपे कि आपने ये सॉल्व किया तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल गया, प्लस 7 माइक्रोकूलम. यानी कि डोमिनेंस है पॉजिटिव चार्ज की, इसलिए पूरा क्रिस्टल पॉजिटिव है. कितने से डोमिनेंस है, प्लस 7 माइक्रोकूलम से डोमिनेंस है. बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया. तो ये प्रॉपर्टी है आपके एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, और ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि नेट चार्ज इन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम विल बी द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस. आई रिपीट, नेट चार्ज ऑन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम विल बी द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस अवेलेबल इन द सिस्टम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज यू हैव टू टेक साइन इन टू द कंसिडरेशन. आपको साइन कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. प्लस 8 है, प्लस 8, प्लस 4, माइनस 3, माइनस 2, वट एवर द साइन इज गिवन, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, करस्पॉन्डिंगली आपको साइन लेना पड़ेगा. ठीक है, अब यहीं पर मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, इससे पहले कि हम लोग क्वांटाइजेशन की तरफ जाएं, मैं एक चीज आपको और यहां पर बता देता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. इसका जिक्र हम लोगों ने लास्ट टर्म पे किया था, थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी लेकिन डिटेल नहीं की थी. तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. तो फिजिक्स में आप लोग सब लोग जानते हो कि कंजर्वेशन वर्ड जहां भी आ जाता है उसका मतलब आपको पता है कि नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म. यही आपने पढ़ा हुआ है हमेशा से. कुछ भी आ जाए, चार्ज आ जाए, एनर्जी आ जाए, कुछ भी होता है, तो आपकी मेन स्क्रिप्ट सेम रहती है, बस खाली कीवर्ड चेंज होता है. अगर चार्ज है तो आप चार्ज चिपका देते हैं, अगर आपका जो है वहां पे एनर्जी तो आप एनर्जी चिपका देते हैं. यही करते हैं आप, जो कि लॉजिकली आपको टेक्निकली वो नंबर दिलाने के लिए सेल्फ सफिशियंट हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है नंबर मिल जाएगा. लेकिन कंसेप्ट अगर समझे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, बिल्कुल सही बात है, जो आप चिपका रहे थे वो बिल्कुल सही है कि आपको करना क्या है. फिर से आप वही बात कहोगे कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड.
और ओनली दे कैन बी ट्रांसफर्ड. ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में थोड़ी बदल देंगे, लेकिन हाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कर सकते हैं. जैसे कि हमारे मान लीजिए जो मैंने लास्ट टाइम में बताया था आपको कि रूलर हम लोग रब कर रहे थे, तो रूलर भी न्यूट्रल है, बाल भी न्यूट्रल, लेकिन जब हम लोग रब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे, चार्जेस ट्रांसफर कर रहे थे. कुछ चार्जेस रूलर के हेयर्स पे चले गए और कुछ चार्जेस हेयर्स के रूलर पे आ गए, जिसके बाद वो पेपर्स हम लोग अट्रैक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. तो अब इसी बात को जो चार्जेस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यही से हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, और यहां पे हमने एक चार्ज ये लिया अगेन प्लस 8 माइक्रो कूलम, ये वाला आपका माइनस 2 माइक्रो कूलम. ठीक है, ये दो चार्ज, दो ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, दो लेते हैं, और आप चाहें तो और भी ले सकते हैं. अभी हम लोग दो लेते हैं समझने के लिए, प्लस 8 माइनस 2. ठीक है, और हमने ये पूरा चार्ज उठा करके क्या किया, एक दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया. क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बनेंगे कि पूरा चार्ज उठा के आपने एक सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया, और इस सिस्टम में मान लीजिए एक चार्ज जो आपका है वो है माइनस 11 माइक्रो कूलम का. तो आपसे पूछा जाएगा कि जो दूसरा चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए. बात समझना है, नहीं समझना है, नहीं समझना है, मैं जानता हूं. अब बताता हूं मैं फिर से, ये हमारे पास सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसका हमने नाम रख दिया सिस्टम ए, और ये एक सिस्टम है जिसका नाम रख दिया सिस्टम बी. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिस्टम ए हमारा जो है उसमें दो चार्जेस हैं, प्लस 8 माइक्रो कूलम और माइनस 2 माइक्रो कूलम, आप देख सकते हो यहाँ पे. फिर इन पूरे इस पूरे ए सिस्टम के पूरे चार्जेस को उठा के हमने क्या किया, बी में ट्रांसफर कर दिया. तो बी में जब ट्रांसफर किया तो एक चार्ज हमारा माइनस 11 का है, तो दूसरा चार्ज कितना होगा. अब यहां पे जो की कंसेप्ट आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का. आपको पता है कि नेट चार्ज विल रिमेन कंजर्व, नेट चार्ज विल रिमेन कंजर्व, यानी कि क्या हो गया, टोटल चार्ज जो ए पे रहा होगा, पहले रहा होगा, इनिशियली रहा होगा, फाइनली भी तो वही चार्ज रहेगा ना, चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आएगा. एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा. क्यू ए विल बी इक्वल टू क्यू बी, मीन्स वॉट आई वॉन्ट टू से, इनिशियल नेट चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल नेट चार्ज. जैसे कि हम लोग किसमें पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ते थे 11th क्लास में ना, कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. उसी तरीके से नेट इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज. अब नेट इनिशियल चार्ज कैसे निकालेंगे, यहां पर सिस्टम कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, याद करिए हेट्रोजीनियस सिस्टम, कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी नेट चार्ज निकालने के लिए, बिल्कुल सही, एडिटिविटी. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर करेंगे प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब यहां बी पे बात कर लेते हैं, बी पे एक चार्ज कितना माइनस 11, और दूसरे का हमको कुछ पता नहीं, तो अभी हम इनिशियली बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे, हमको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं पता, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको प्लस ही ले लेते हैं. सो लेट्स से ये एक्स माइक्रो कूलम है, तो हमने यहां पे लिख दिया एक्स, इक्वेशन बन गई. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 6. ठीक है, और ये आपका हो गया माइनस 11 प्लस एक्स. आप यहां सॉल्व करेंगे तो एक्स विल कम आउट टू बी 17. ठीक है, x will come out to be 17 माइक्रो कूलम, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, पॉजिटिव का, तो इट विल बी प्लस 17, यानी कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्लस 17 माइक्रो कूलम. है सिंपल, वेरी सिंपल. क्या हमने कोई नया चार्ज क्रिएट किया, नहीं किया, हमने सिर्फ ट्रांसफर किया था और उसी के करस्पॉन्डिंगली हमको यहां पे नेट चार्ज मिल गया. अब आप अगर चाहें तो इसको ऐसे ही वर्बली आप इसको जो है टैली कर सकते हैं, अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं कि भाई 8 में से 2 गया कितना बचा, 6 बचा, तो माइनस 11 यहां पर है ना, माइनस 11 यहां पर, हमको यहां पे नेट कितना लाना, नेट तो हमको 6 लाना है, तो क्या करेंगे इसमें आप देखो, तो अगर ये वाला आपका 17 होता है जो कि हमारा आंसर आया, 17 में से 11 अगर चलेगा तो 6 ही तो बचेगा, यानी कि प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है. यही आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, लैंग्वेज पढ़ना आसान है, बुक में भी इतना ही केवल देते हैं कि ये है वो है, फिर उसको आप कुछ इक्वेशन से समझते हैं कि जैसे कुछ न्यूक्लियर इक्वेशन ले लेगी, ये मटेरियल इतना था इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा, वो आप इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ज्यादा कन्वीनियंट वे है समझने का. ठीक है, सो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे है, कि चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड, कीपिंग नेट चार्ज कॉन्स्टेंट, टोटल नेट चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा और उसके बाद हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, सो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ लेते हैं, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है,
और अभी आप इसको पढ़ेंगे लेटर ऑन जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी इसका यूज होगा. सो वी हैव टू स्टडी इट वेरी केयरफुली. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे से समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट जाकर के मार्कर खरीद लाइए, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सर कितने मार्कर? पहले तो आप पूछोगे कलर का ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैंने कहा ब्लैक मार्कर ही लाना है, चलो ब्लैक ही चाहिए होता है नॉर्मली, मैंने कहा आपसे मार्कर ले आइए, तो आप मार्कर लाने के लिए क्या पूछोगे, सर कितने मार्कर? एक या दो, ठीक है. तो आप जब मार्कर परचेस करने जाओगे शॉपकीपर से, आप मार्कर परचेस करोगे तो मार्कर कितने आपको मिलेंगे, या तो एक मिलेगा या दो मिलेंगे या तीन मिलेंगे या चार मिलेंगे. क्या ऐसा हो सकता है कि आपको 1.75 मार्कर मिले या डेढ़ मार्कर मिले? भाई एक मार्कर ठीक है, दूसरा क्या तोड़ के दिया जाएगा आपको? नहीं ना, इट इज अ कंप्लीट एंटिटी. या तो एक मिलेगा या दो मिलेंगे या तीन मिलेंगे या चार मिलेंगे या पांच मिलेंगे, इस तरीके से मिलते जाएंगे. सो ऑन, आप जितने लेना चाहे उतने ले सकते हैं. सो यही आपका क्वांटाइजेशन है. अगर हम मैक्रोस्कोपिक मॉडल में बात करें तब ये चीजें उतनी मैटर नहीं करती हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब क्वांटम लेवल पे आ जाते हैं, ये पूरा क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, जब क्वांटम लेवल पे आ जाते हैं तो छोटी सी छोटी चीज बहुत मैटर करती है. हम एक छोटी सी चीज को लेकर के उसकी स्टडी करके ओवरऑल उसके मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा लेते हैं. इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. कई बार मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था पिछले साल भी, और इस साल भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम लोग कोई भी हमारे घर में जब नई डिश बनती है, कोई भी नई डिश बनती है, सपोज आपकी मदर ने कुछ आपके लिए तैयार किया कि चलो ठीक है अपने बेटे या अपनी बेटी के लिए कुछ नया बनाते हैं, रोज वही मोनोटोन से खाना खा के बच्चा बोर हो गया है तो कुछ नया बना देते हैं. तो उन्होंने क्या किया, नेट से एक रेसिपी निकाली, मटेरियल सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सब असेंबल किए, एंड देन उनको लेकर के एक अच्छी सी डिश बना के आपको दी. और आप बहुत फंसी है खाने में, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इमीडिएटली थोड़ी ना कि ठीक है अच्छा एक प्लेट पूरा का पूरा आप लेके बैठ गए कि कैसा भी लगेगा खाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते. आप क्या करते हो, यू जस्ट टेक स्मॉल बाइट, आप एक बाइट लेकर के टेस्ट करके देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती है, इफ इट्स फिट्स योर टेस्ट बड्स, सूट कर रही है, तब आप फिर अच्छा और दे दो, नहीं अच्छा लग रहा क्या बनाया, नहीं अच्छा लग रहा है टेक इट अवे ना, वो चीज होती. तो मतलब एक छोटी सी बाइट लेके आपको पूरे के पूरे डिश के बारे में आइडिया हो जाता है. यही क्वांटम लेवल होता है कि छोटे पार्टिकल को या छोटी चीज को स्टडी कर लो और पूरे सिस्टम के बारे में आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है. वही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है. मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब आप मार्कर लेने जाएंगे तो आपको एक दो तीन चार पांच छह हजार दस हजार लाख दस लाख इस तरीके से मिलेंगे. कहीं भी ये केस नहीं होगा कि आपको डेढ़ मार्कर मिल रहे या ढाई मिल रहे या 3.75 मिल रहे या 3.61 मिल रहे, इस तरीके से मिलेंगे, ऐसा नहीं होता. तो ये जो प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी के आते हैं सीधा, इसी एग्जांपल को अपने माइंड में रखिए और इसी से क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम रिलेट करेंगे. तो क्वांटाइजेशन की सबसे पहली चीज देखिए, एडिटिविटी क्या थी, हेट्रोजीनियस सिस्टम पर एप्लीकेबल थी. ये आपकी क्वांटाइजेशन आपकी हमेशा होमोजीनियस सिस्टम पे लगती, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस होंगे, और अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दो में से कोई एक, दूसरा नहीं, मिक्सअप नहीं. मिक्सअप होगा तब तो एडिटिविटी आ गई क्योंकि सिस्टम ही चेंज हो गया ना, हेट्रोजीनियस हो गया. तो ये एक डेडली कंडीशन है कि द सिस्टम शुड बी होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है. अब देखो होता क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहा गया, पहले समझ लेना लाइन, उसके बाद मैं इसको और रिलेट करूंगा फिर एग्जांपल जो मैंने दिया था. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि नेट चार्ज या जो चार्ज होता है, नेट चार्ज को थोड़ी देर के लिए अच्छा भूल भी जाइए, तो हम बात करते सिंपली कि जो चार्ज होता है, चार्ज होता है तो चार्ज को बेटा किससे डिनोट करते हो आप चार्ज को डिनोट करते हो क्यू से. जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज क्या, फंडामेंटल चार्ज किसको कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना बताया था मैंने लास्ट टर्म पे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है फंडामेंटल चार्ज, ठीक है. इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज. फंडामेंटल चार्ज इज व्हाट, इट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ओके. सो चार्ज जो होता है, चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यही आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की लाइन है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट द चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज,
चार्ज ऑफ वन फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, एक फंडामेंटल चार्ज के चार्ज के बराबर, चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स में वो एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम डिनोट करते हैं किससे, ई से, ठीक है, और इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3, 4 लेके कहीं तक, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। आपने नंबर लाइन पढ़ी ना, नंबर लाइन पे नेगेटिव जितने भी नंबर है वो भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव जितने वो भी इंटीजर है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरा रेंज जो कवर कर रहे हैं ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। तो हम यहाँ पे इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए क्या लिखते हैं, वी राइट एन, ठीक है, हम इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए क्या लिखेंगे, एन। अब ये एन की वैल्यू क्या हो सकती है, ये एन आपका कितना भी हो सकता है, ये एन आपका कितना हो सकता है, ये आपका एन माइनस वन भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि चार्जेस का भी नेचर हमको पता है कि कैसा होता है, चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो हमने क्या किया, हमने कहा चार्ज किसी क्वांटाइजेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चार्ज एक फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये हम क्या करते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा पूरा सिस्टम, अगर पॉजिटिव है तो वी विल टेक द प्लस साइन, अगर पूरा सिस्टम नेगेटिव है वी विल टेक द माइनस साइन। और एन की वैल्यू यहां से कितनी हो जाती है, एन की वैल्यू यहां से हो जाती है 1, 2, 3, 4 कितनी भी ले सकते हैं। तो आप देखो यहां पे 1, 2, 3, 4 लेने से आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव वैल्यूज ही भी नेगेटिव नहीं थी, तो नेगेटिव साइन तो पहले ही लगा हुआ है, मतलब क्या दिक्कत है, यहां पर तो आ ही रहा है ना, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपका उठ सकता है कि सर नेगेटिव चार्ज के लिए तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, आपने बोल दिया 1.6 × 10⁻¹¹ कूलम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का कैसे, तो ये यहां पे इस बात को समझने के लिए कि एक नेगेटिव चार्ज के लिए तो चलिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, एक पॉजिटिव के लिए कितना मैग्नीट्यूड लेंगे उस बात को समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर ये हमारे पास कोई सिस्टम है और यहां पे मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब मैं इस सिस्टम को क्या करना चाहता हूं, मैं जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज रख दूं ना, इसको ऐसा समझो कि अगर एक नेगेटिव व्यक्ति है और एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो वहां पे कोई बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगा, दो पॉजिटिव होंगे एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव बात निकल करके आएगी। वही चीज कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, सिस्टम को न्यूट्रल कर रहा है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ कर रहा है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के साथ न्यूट्रल कर रहा है हम, और ये किसके साथ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है नेगेटिव में होगा ऑब्वियस बात है। हम क्या करें, हम इसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, कितने मैग्नीट्यूड का, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का, एक चार्ज माइनस में एक चार्ज प्लस में, सिस्टम कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस का नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, एडिटिविटी प्रिंसिपल, यानी कि दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो नेट वैल्यू कितनी आएगी, नेट वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि सिस्टम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो यहां से हमने एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हमको पता थी, पॉजिटिव की हमने उसी के रेस्पेक्ट में तो निकाल ली ना, बात समझ नहीं, तो इसलिए जब नेगेटिव की वैल्यू लेते हैं तो हम लिखते हैं −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और जब प्लस की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव की वैल्यू लेते हैं तो +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना आपको याद रखना है। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। अब ये वैल्यू जो क्यू की आएगी ये हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि आपने एन यहां पर फिक्स ले रखा है, एन यहां पे आपने फिक्स ले रखा, तो इट विल बी 1.6, फिर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2, ठीक है, 4.8, 6.4, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका एन सॉल्व करने पे, क्यू आपको दिया है, ई आपको दिया और सॉल्व करने पे एन आपका अगर 1/2 या 3/4 कुछ आ रहा है तो आप समझ जाइएगा आपका आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आनी है, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर में आनी है, बात समझ आ गई। तो ये आपका होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, विच सेज दैट नेट चार्ज ऑन अ होमोजीनियस सिस्टम या चार्ज ऑन अ सिस्टम विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है टोटल चार्ज या चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ अ होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, बात समझ में आ गई, आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको एक जल्दी से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हम माइक्रो में क्यों लेते हैं ना, चार्ज को माइक्रो में या मिली में ही क्यों ले रहे हैं, हम कूलाम में क्यों ले रहे हैं। तो इसको देखिए,
अगर मैं कहूं कि चार्ज हमारे पास मान लीजिए 1 कूलाम्ब हो गया, हम कह रहे हैं कि चार्ज हमारे पास 1 कूलाम्ब हो गया, ठीक है, 1 कूलाम्ब चार्ज हो गया। अब 1 कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्वेश्चन अराइज होता है 1 कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखते हैं चार्ज हमने कितना लिया, 1 कूलाम्ब लिया है, ठीक है, और हमने हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब इतना होता, ठीक है। अब अगर हम यूज करते हैं क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला कि Q इक्वल्स टू एनी, प्लस माइनस रहने दीजिए उसकी अभी नीड नहीं है, अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं क्योंकि हमें नंबर निकालना है, ठीक है। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी या Q इक्वल्स टू एनी अगर हम यूज करें तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम्ब, एन हमें पता नहीं है, एन हमें निकालना है, ई हमें दिया हुआ है कितना, इट इज गिवन टू अस दैट इट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब। नाउ लेट्स सॉल्व इट फॉर एन, अब इसको एन के लिए सॉल्व कर दो, एन कितना हो जाएगा, n will come out to be 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹, okay? अब इसको आप अगर ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹। ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको केवल सॉल्व कर लिया, न्यूमिनेटर में लेके गए तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक 10 हटा दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, n will be equal to कितना हो जाएगा आपका, 10 upon 1.6 × 10⁻¹⁸, ठीक है, मतलब 10⁻¹⁹ था उससे एक 10 ले लिया तो 10⁻¹⁸ बचा, ऊपर वो 10 हो गया 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है। n इक्वल्स टू कितना यहां पे 10, डेसिमल से पॉइंट हटाएंगे 0 पहुंचेगा, कितना हो जाएगा, इट विल बी 100 upon 16 × 10⁻¹⁸। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो n विल कम आउट टू बी 6.25 × 10⁻¹⁸, इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम्ब में लगेंगे, ठीक है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज, विच इज अ मैसिव क्वांटिटी, ठीक है, बहुत मैसिव क्वांटिटी है। इसलिए चार्जेस को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटम लेवल पे हम छोटे से छोटे पे जाते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल है, इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन या चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके नीचे नहीं जा सकते, ये सबसे छोटी क्वांटिटी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम सबसे माइक्रोस्कोपिक मॉडल स्टडी कर रहे हैं। और जब सबसे माइक्रोस्कोपिक मॉडल स्टडी कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स का है क्योंकि क्वांटाइजेशन पढ़ रहा है, माइक्रोस्कोपिक मॉडल स्टडी कर रहा है, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है उस लेवल पे। इसलिए 1 कूलाम्ब जो चार्ज हो जाता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एज पर द मॉडल वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इट बिकम्स बल्की, इट बिकम्स अ बेल्टर वन, इसलिए हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। हम चार्ज को जब भी डील करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ माइक्रो, नैनो, मिली एक्सेट्रा, इनके टर्म में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।